बीरभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा को अपनी समस्याओं को लेकर मिला और शीघ्र समाधान करने की मांग की। टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने निजी वाहनों द्वारा सवारियों को ढोने को लेकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने बताया कि इससे टैक्सी ऑपरेटर का धंधा चौपट हो रहा है, निजी वाहन चालक मनमर्जी से सवारियां ले जा रहे हैं। बीरभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के प्रधान राकेश कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल की पार्किंग के पास जो सड़क निर्माण का कार्य लगा हुआ था उसके समाप्त होने के बाद भी उन्हें उनकी जगह नहीं दी गई है, जिससे वाहनों को खड़े करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि निजी होटल अपने वाहन से एनआईटी सवारियों को लाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि उनके काम में फर्क पड़ रहा है, इसीलिए इन वाहनों को शीघ्र बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर जिला प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वह धरना प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जो मेले का प्रभाव बना हुआ इसलिए बना हुआ है कि हमारे टैक्सी में की कुछ समस्या जो मेन काफ़ी दिन से चली हुई है उनके बारे में हम उपायुक्त से मिलने के लिए आए हैं। हमारी सबसे बड़ी मेन समस्या है कि जैसे HRTC वालों ने इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाई हैं, उनका कुछ क्लियर नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है या स्टेज कैरेज है। वो जो मर्जी उनका दिल करता वैसे चलाते हैं, कभी स्टेज कैरेज कभी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, जिसके हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो ये चाहते हैं प्रशासन विभाग के उनको कोई भी एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट करे चले, स्टेज करे स्टेज करे चले, उनका जो उनको ये तो उनको बंद कराया जाए। उनकी वजह से हमारा धंधा चौक हो गया है। वो कभी तो स्पेशल हॉस्पिटल के लिए, कभी स्पेशल 10 किलोमीटर के एरिए के लिए स्पेशल जा रही है, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। नंबर दो, हमारी हॉस्पिटल के बाहर जो पुरानी 4 साल पहले पुरानी एमरजेंसी होती थी, उस एमरजेंसी के गेट से लेके और जो पुराना CMO गेट होता था वहाँ तक हमारे बाहर रोड के किनारे हमें 7 टैक्सियों की जगह मिली हुई थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब उस रोड का काम चला तो प्रशासन ने हमें वहाँ से हटा दिया कि रोड का काम होगा। रोड का काम हुए 2 साल हो गए लेकिन अभी तक हमें हमारी पुरानी जगह नहीं दी गई। अगर हम बाहर टैक्सी लगाते हैं तो हमारे चलान किए जाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर महोदय से ये भी गुजारिश है कि हमारे उस जगह को दिया जाए। उसके बाद और भी हम जिले के अंदर जितने भी यहाँ पर बड़े होटल हैं, प्राइवेट होटल हैं, उन होटल वालों ने अपने निजी टैक्सी निजी वाहन रखे हैं, जिनको वो सवारियाँ ढोने लाने और ले जाने का काम करते हैं, उसकी वजह से भी अगर टैक्सी उनको बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ रसूखदार लोग ऐसे हैं जिन्होंने महंगी से महंगी गाड़ियाँ रखी हैं, वो भी यहाँ से सवारियाँ उठा के बाहर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स तो कटवाते नहीं हैं। हमें तो उनकी वजह से नुकसान है, सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। हमारे उपायुक्त महोदय से ये गुजारिश है कि संबंधित विभागों को इसके आदेश जारी करें और इन्हें बंद कराया जाए। जगह तो हम कभी भी हमारे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जो है वो धरना प्रदर्शन कर सकती है।